हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव स्टार्ट चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पार्ट 2। ओके चिल्ड्रन, लास्ट मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फिजिकल चेंजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा केमिकल चेंजेस। ओके देन केमिकल चेंजेस क्या है वो आपको बता देती हूँ। केमिकल चेंजेस और केमिकल चेंज इज एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। मीन्स कोई भी जो सब्सटेंस है ओके चिल्ड्रन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी जो चेंजेस आएगा इट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के आपने एग्जांपल्स भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, जैसे जो आयरन है कोई भी ठीक है उसके ऊपर जो रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एक केमिकल चेंजेस है। ओके चिल्ड्रन, मीन्स हमारे घर में जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता है कर्ड में, जैसे मम्मा का मिल्क को कन्वर्ट मतलब मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालते हैं देन मिल्क पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो जो मिल्क कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में ये भी प्रोसेस जो है इज अ केमिकल चेंजेस। ओके चिल्ड्रन, देन आपका एक्सप्लेन कर देती हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कोई भी सब्सटेंस का, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीडेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि एक आर्टिफिशियल कोई ज्वेलरी ले लो और एक ओल्ड ज्वेलरी। ओके चिल्ड्रन, तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके साथ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस ईजिली हो जाएगा। ओके, बट जो गोल्ड है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ईजिली शो नहीं करेगा। ओके, बिकॉज लेस रिएक्टिव कंपेरिजन टू जो अदर मेटल्स हुए। ओके चिल्ड्रन, तो ये पॉइंट जो ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो या फ्लेमेबल है इनफ्लेमेबल है ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी मतलब हाई रिएक्टिविटी है कि लेस रिएक्टिविटी, ये जो सारे सारे प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की। ओके चिल्ड्रन, तो ये प्रॉपर्टी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करती है। ओके चिल्ड्रन, देन आपका टॉपिक में आपको रीड करके बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। केमिकल चेंजेस के जो एग्जांपल है पहले देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ओके, बर्निंग ऑफ वुड मीन्स कोई भी जो वुड है मतलब वुड का पीस है उसको आप बर्न करोगे देन वो जो प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा ओके वो प्रोडक्ट एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ओके, सेम यहाँ पे जो रस्टिंग आयरन मतलब जो आयरन है वो रस्टिंग आयरन में कन्वर्ट होगा, तो रस्टिंग वाला जो आयरन है इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है मिल्क भी जो कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में ठीक है। तो चिल्ड्रन, इसको प्रोसेस को जो हमें समझना है वो एक पॉइंट ये भी है कि दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो कि फिजिकल जो भी उसमें क्या था वो प्रोसेस रिवर्सिबल थी, इसमें रिवर्सिबल नहीं होंगे इरिवर्सिबल है। मीन्स कोई भी जो सब्सटेंस है तो कोई भी जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस शो कर रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ओके, ये प्रोडक्ट है तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है चिल्ड्रन ये न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ओके चिल्ड्रन, ये न्यू प्रोडक्ट बनता देखिए न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन और ये जो प्रोडक्ट होता है ये स्टेबल भी होता है। ओके, ये स्टेबल फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड इसकी जो रिएक्शन होगी केमिकल चेंजेस की वो ओनली सिंगल एरो से रिप्रेजेंट की जाएगी। चिल्ड्रन, ध्यान देने का पॉइंट है सिंगल एरो। ओके, जबकि फिजिकल वाले में क्या था कि क्योंकि वहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट नहीं था मतलब न्यूज में नहीं था देन वहाँ पे हम उसको टू एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका रिवर्सिबल। ये आपको थोड़ा हायर क्लासेस में ज़्यादा जब रिएक्शन आएगी उनमें आपको माइंड अच्छे से रन करना है, बट अभी आप थोड़ा सा इसको समझ के रखो माइंड में। मीन्स ये जो पॉइंट है ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका स्टार्ट ही है और हायर क्लासेस में इनका यूज करना है एरो का। तो जो भी रिएक्शन में आपको टू एरो दिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं कोई भी ठीक है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो रहा है सब्सटेंस में, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल होती है। चिल्ड्रन, एंड सेकेंड मैंने यहाँ पे जो बताया कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और दीज प्रोडक्ट आर स्टेबल। ओके, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और ये इट कैन नॉट कन्वर्ट इन सब्सटेंस फॉर्म, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। ओके चिल्ड्रन, तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो फिजिकल चेंजेस हैं आर रिवर्सिबल प्रोसेस और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके चिल्ड्रन, देन जब इनमें दोनों में डिफरेंस हो तो ये पॉइंट आप इंक्लूड करना। ओके चिल्ड्रन, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मैंने आपको बताइएगा क्योंकि फिजिकल में क्या था कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है बट केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है केमिकल में देन वो कन्वर्ट
नहीं हो सकता आगे सब्सटेंस की फॉर्म में। ठीक है, अगर पॉइंट मैं आपको रीड कर देती हूँ केमिकल चेंजेस का। आपको डायग्राम दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन का, पेज नंबर 59 में बॉटम में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद एक एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है 6.6। ओके बेटा, आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। पहला इसका जो क्वेश्चन है वो देख लो, पिंक कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। मतलब ये लैब से रिलेटेड एक्टिविटी है, मींस जो मैग्नीशियम रिबन है वो कि चिल्ड्रन जब उसको बर्न किया जाता है तो उसको आपको कंटिन्यूसली नहीं दिखना है, क्योंकि उससे जो फ्लेम निकलती है इज वेरी मतलब हाई फ्लेम होता है। ओके, लाइट तो उसको बहुत ज़्यादा होता है, देन उसको एक तो कंटिन्यूसली नहीं देखना है। ओके, अपने आम छोटे पैर एकदम से। तो आपका पॉइंट क्या है देख लेते हैं, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिंग और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, अब जब हमने उसको क्लीन कर लिया तो उसे कैंडल फ्लेम के सरफ मतलब पास में लेके जाना है। इट बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, वेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश। क्योंकि चिल्ड्रन मीन्स क्या प्रोसेस है उसमें रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये जब क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम का, देन आपको उसमें रिएक्शन भी शो करनी होती है। डायरेक्शन बता रहा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है। ओके चिल्ड्रन, नो अटेम्प्ट
यहाँ पे आपको लिखा है कि बैलेंस नहीं करना है, बट मैंने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब चुनिंग ये कि ये जो एश प्रोडक्ट जो फॉर्म है इसे हमें किसमें मिक्स करना है, वाटर के फॉर्म में मिक्स करना है। तो देन अभी क्या फॉर्म बनेगा वो देखो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस वन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हम वाटर में मिक्स करेंगे। आप नेम लिखते चलना कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये वाटर में हम मिक्स कर रहे हैं इसको। ओके वाटर, अगर जो एश फॉर्म था किचन, ये एश फॉर्म में है और इस एश को हम जो वाटर में मिक्स करेंगे, देन क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चुनिंग यहाँ पे जो बनेगा फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के बॉटम में आएगा टू। किचन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किचन देन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज जो फॉर्मेशन हो रहा है, ओके इज यहाँ पे भी ये न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन है, ओके ये न्यू सब्सटेंस है। अब इसका बॉटम है आपका बेस नंबर जो है 60 का ही बॉटम लाइन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो चैप्टर 5th है उसमें हमने रीड किया था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का चिल्ड्रन वो एसिड था कि बेस था, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था चिल्ड्रन, बेस का फॉर्म। ओके सो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक न्यू सब्सटेंस है फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो मीनिंग क्या है कि जो मैग्नीशियम उनको हमने रिएक्शन जिनसे स्टार्ट हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, देन जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड ये न्यू सब्सटेंस मतलब प्रोडक्ट बना है। ओके और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगेन हम वाटर के साथ में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके चिल्ड्रन ये भी एक न्यू सब्सटेंस है। तो चिल्ड्रन आपको ध्यान रखना है कि केमिकल चेंजेस में जितनी भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती हैं, ओके तो उनमें बनने वाले जो मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो आपके कॉपर सल्फेट की है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ओके एक्सप्लेन करूंगी, और इसके रिलेटेड जो भी डाउट हो आपको देन वो आप मुझसे अपने डाउट लेक्चर में